इस साल डंकी और सलार दो ऐसी फिल्म थी जिनके बीच सबसे बड़ा वॉर था फॉर द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड द फैक्ट कि इन दोनों फिल्म्स में से इंडियन ऑडियंस किसे चूज करेगी। जहां एक तरफ राजकुमार हिरानी ने अपनी बेसिक स्टोरी लाइन से हिंदी सिनेमा व्यूअर्स को डंकी की कहानी से रुलाया और हंसाया, प्रशांत नील ने दो बड़े साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स को एक साथ कास्ट करके ऑडियंस को एक तगड़ा एक्शन और ड्रामा का डोज दिया। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सलार स्कैम। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कैम आखिर क्या ही हो सकता है, इस वॉर में इंडियन ऑडियंस को भला कोई बेवकूफ बना सकता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में कुछ हाई कॉन्ट्रोवर्सीज डिस्कस करने वाले हैं, देयरफॉर इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा एंड यू आर वॉचिंग अनकट। प्रभास एंड पृथ्वीराज सुकुमारन स्टार सलार रिलीज हुई थी 22 दिसंबर 2023 में, जो कि डंकी के रिलीज के एक दिन बाद था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही हफ्ते में 500 करोड़ कमा लिए एंड सून सलार इज गोइंग टू एंटर द 600 करोड़ क्लब। और इसके कंपटीशन में डंकी का अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज 161 करोड़ एंड विद टाइम ये फिल्म 200 करोड़ क्लब में एंटर हो जाएगी। सो आई गेस द रिजल्ट इज क्वाइट क्लियर, लोगों ने अपने पैसे सलार देखने पर ज्यादा लगाए हैं। इस फिल्म को देखने के लिए अभी तक सारे ऑडियंस बुक्ड हैं। बट मुझे जो चीज सबसे ज्यादा क्यूरियस कर रही है वो ये है कि सुबह 6:30 बजे के 4 शोज इन बैंगलोर, वो भी हिंदी में, आखिर कौन देख रहा है? कौन है ये लोग जो सुबह सुबह अपना काम और मॉर्निंग रूटीन छोड़ के प्रशांत नील की इस फिल्म की सारी टिकट्स बुक कर रहे हैं? ये पैटर्न मेरे नोटिस में थ्रू अ पेज कॉल्ड बॉक्स ऑफिस स्टैट्स से आया था, जिन्होंने कुछ दिन पहले स्टोरी पोस्ट करी थी ऑफ अ थिएटर इन बैंगलोर जहां पे सलार के 6:30 बजे के शोज फुली बुक थे ऑन आईनॉक्स। और ये फिल्म पैटर्न सिर्फ बैंगलोर का नहीं है, ये सुबह के 6:30 बजे के शोज बुक होना अक्रॉस द कंट्री देखा गया है। अकॉर्डिंग टू द ट्वीट्स मेड बाय अ फिल्म क्रिटिक मिस्टर सुमित कार्डल, उन्होंने आज एक ट्वीट डाला था जहां वो अपनी ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जब उनके एक फॉलोअर ने उनसे सलार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की तो उन्होंने बहुत सरकास्टिकली ये जवाब दिया कि इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड सवाल का जवाब वो कल देंगे क्योंकि उन्हें सलार का 1 बजे वाला शो देखने जाना है, जो काफी क्लियरली इस बॉक्स ऑफिस स्कैम की तरफ इशारा करता है। दिल्ली में विकासपुरी और गुड़गांव में भी इस वक्त सलार के 6:30 बजे के सभी शोज बुक्ड हैं, लेकिन ऑडी में लोग हैं या नहीं वो मैं भी नहीं जानती। अगर आपके पास भी इतना वक्त है जहां आप दिल्ली के इन ऑडीज में जाके ये चीज कंफर्म कर सकते हैं तो प्लीज जाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड गेस व्हाट, जब इस सलार स्कैम की न्यूज वायरल होने लगी तो होमवाले फिल्म्स जिसने सलार को प्रोड्यूस किया है उन्होंने सलार के सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पोस्टर्स को हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। देखो मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही, अगर आपके एक्शंस सही हैं और आप बॉक्स ऑफिस पे डंकी को बीट करने के लिए डेस्परेट नहीं हैं, तो आप ऐसे स्टंट्स क्यों पुल कर रहे हैं जहां इंडियन ऑडियंस आपको क्वेश्चन और ट्रोल करने पे मजबूर हो जाए। इसी बॉक्स ऑफिस स्कैम के रेफरेंस में फिल्म क्रिटिक ने एक और ट्वीट किया जहां पे वो अगेन सरकास्टिकली ये कह रहे हैं कि शायद सुबह 9 से 10 बजे तक ज्यादा ठंड रहती है, इस वजह से लोग सलार का 6:30 बजे का शो बुक कर रहे हैं। आई मीन इट्स एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग यार, मैंने सलार देखी है और अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। आई एक्चुअली लाइक द फिल्म, द प्लॉट एंड द कैरेक्टर्स ऑफ दिस मूवी, जिस वजह से मुझे लगता है कि इस बॉक्स ऑफिस स्कैम की कोई भी जरूरत नहीं थी। वहीं ऑन दी अदर हैंड डंकी ने इस वक्त ऑलमोस्ट अपना 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरा कर लिया है एंड एवरेज स्टोरी लाइन और व्हाट्सएप जोक्स होने के बावजूद भी इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। और यही होना चाहिए यार, आप एक फिल्म बना रहे हो, आप उसकी पीआर और मार्केटिंग पे फोकस करो। अगर फिल्म में दम होगा तो उसे बॉक्स ऑफिस पे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस स्कैम के पीछे प्रोडक्शन का हाथ है या प्रभास के किसी फैन क्लब का, वो तो इस कंट्रोवर्सी के एंड होने पे ही पता चलेगा। आपको ये स्कैम रियल लग रहा है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट रिलेटेड सभी न्यूज और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनकट। टिल देन हैप्पी न्यू ईयर गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।